तो अभी ना इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताने वाली हूँ कि कैसे आप आइल्स की प्रिपरेशन कर सकते हो एग्जैक्टली टू मंथ्स में ये हर उस लर्नर के लिए जो भी एकेडमिक लर्नर है बेसिक है इंग्लिश देखो अगर बहुत ही ज्यादा ग्रामर वीक है ना तो अपना ये सोच लेना कि ये दो महीने के प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ना दो हफ्ते ढंग से ग्रामर को दे देना एक एक चीज ग्रामर की अच्छी तरह पता होनी चाहिए जो चीजें पता होनी चाहिए क्या क्या बेसिक्स आने चाहिए वो मैं अभी आपको बिगनिंग में बताऊंगी तो लेट से मेरे पास एक न्यू लर्नर आया जिसके ग्रामर बेसिक लेवल पे तो है फिर भी बट ही इज एबल टू स्पीक ठीक है थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स तो होती है बट स्टिल करेज टू स्पीक और मे बी ही वॉन्ट्स टू ईगर होना चाहिए बच्चा तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रामर से फर्स्ट वीक में मैं ग्रामर इस तरीके से हर एक लर्नर को कराती हूँ दो दो घंटे की रोज क्लास लेके ना अच्छी तरह ग्रामर करा देनी है और आपने क्या करना है कि रोज रात को डायरी एंट्री लिखनी है कि मैंने सुबह से शाम तक ये करा फॉर एक्साम्पल आज तो मैं बहुत लेट होती थी तो आई वोक अपट एट ओ क्लॉक ठीक है देन आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट एंड लंच आफ्टर डूइंग दैट गॉट रेडी फॉर द शूट हाउ एवर आई वॉज नॉट विलिंग टू शूट देन आई स्टार्टेड आई वॉज एक्चुअली टेकिंग अ नैप एंड देन माई कैमरा मैन और माई एडिटर के वॉट एवर यू वॉन्ट टू से ठीक है माई एडिटर के माई टीम मेट के बोल सकते हैं उसके बाद आप आगे की स्टोरी एक्सप्लेन करो अब मैं ये जो भी बोल रही हूँ नहीं सब कुछ पास्ट में है इस तरीके से अगर रोज डायरी एंट्री लिखोगे ना और सिक्स के सिक्स टेंसेस यूज करोगे अब कौन-कौन से सिक्स करने हैं आपने ये भी ध्यान से सुनो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस एंड लास्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ये वाले सिक्स आपको अच्छी तरह करने हैं और जब भी आपने डायरी एंट्री लिखनी है तो वो तो पास्ट में ही आएगी बट ये ऐसे, फिर भी आपने क्या करना है यू हैव टू यूज ट्राई यूज जस्ट ट्राई टू यूज ऑल दीज कनेक्टर्स कोई भी एक टॉपिक ले लो अगर ये सारे के सारे टेंसेज आपने यूज करने हैं तो कैसे यूज कर सकते हो वो बताती हूँ मूवी ठीक है सो सबसे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस में बता दिया कि कौन सी मूवी मेरी फेवरेट है उसके बाद मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया फिर पास्ट बता दे कि ऐसी एक मूवी कोई और भी आई थी आई लाइक दैट मूवी एज वेल फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस में एक और सेंटेंस ऐड कर दिया एंड देन

सेकेंड एंड थर्ड वीक रीडिंग के लिए लिया तो क्या करा रीडिंग की हर एक क्वेश्चन टाइप में क्या टेक्निक यूज करनी है किस तरीके से क्वेश्चन टाइप करना है कौन से आपके क्वेश्चन टाइप्स हैं जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है वो एक्सप्लेन करेंगे एंड देन आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा एंड लास्ट में फोर्थ वीक जो है फर्स्ट मंथ का फोर्थ वीक हमारा हो गया उसमें हम लिसनिंग कर रहे हैं अब आप नोटिस करोगे कि बाय द एंड ऑफ वन मंथ आपकी ग्रामर इंप्रूव हो चुकी होगी रीडिंग में भी एक नॉर्मल सा नॉमिनल स्कोर आ रहा होगा एंड सेम विल बी इन लिसनिंग मॉड्यूल अब इसके साथ साथ ग्रामर हो रही है तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी राइटिंग एंड स्पीकिंग में सो सेकेंड मंथ में सिंपली हम मंडे टू फ्राइडे राइटिंग एंड स्पीकिंग पे फोकस करने वाले हैं ठीक है एंड सैटरडे को हम रीडिंग एंड लिसनिंग पे फोकस करेंगे बट प्रैक्टिस हम रीडिंग एंड लिसनिंग की रोज करते रहेंगे एंड ऑफ द डे तक ठीक है एंड ऑफ द टाइम तक सो so हमारा लास्ट टू लास्ट डे तक हमने रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है है ठीक अब जब राइटिंग भी करेंगे तो किस तरीके से करना है सो इट इज लाइक ये सब कुछ जो मैं बायफर्केशन है फर्स्ट वीक ग्रामर सेकंड एंड थर्ड वीक रीडिंग फोर्थ वीक लिस्निंग फिफ्थ एंड सिक्स वीक राइटिंग टास्क टू सेवंथ वीक राइटिंग टास्क वन एंड एट्थ वीक में रिविजन चलेगी हमारी सारी स्पीकिंग विल बी गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली विद राइटिंग मॉड्यूल स्पीकिंग के लिए क्या करना है यू हैव टू सिंपली प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है रोज और आपने कितनी देर प्रैक्टिस करनी है मिरर के सामने एटलीस्ट थर्टी मिनट्स खुद को रिकॉर्ड करो देखो आपके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं एक पर्टिकुलर स्टोरी को आप कैसे एक्सप्लेन कर पाते हो वो रिकॉर्डिंग को सुन के देखो आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो सो so, इतना तो श्योर है गाइस कि अगर आप ये चीज पे प्रॉपरली फोकस करोगे तो आपका रिजल्ट पक्का आ जाएगा टू मंथ्स बिल्कुल भी कम नहीं होते कोई भी एक लर्नर किसी कोई भी लर्नर हो पूरा डेडिकेटेड है ना वो आराम से टू मंथ्स में स्कोर लेके आ सकता है सो so, ये फॉलो करके देखो और मुझे जरूर बताना इफ यू नीड help in any other IELTS topic. We have created hundreds of videos and almost covered every topic in IELTS. So you go to our home page and there you can see multiple tabs on top of the screen and go to the playlist tab and there you can see there are playlists for every type of video. There are, there is playlist for writing, there is playlist for reading, there is playlist for idea generation. So you can check out what you want and you can watch that video and clear your concepts.